देखिए इसका प्राइस जो है गाइस 516 रियाल है, यानी इंडियन रुपीज़ में आप अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो करीब 11,000-12,000 रुपये होते हैं एक कहानी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग, दिस इज समसीर अली। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ गाइस जिद्दा में, जिद्दा सिटी में। यहाँ पर कैसे एक जो है नहादी का नया फार्मेसी अभी काम चल रहा है, मीडियम फार्मेसी है गाइस, प्रीमियम नहीं है, नॉर्मल मीडियम फार्मेसी है। नहादी का गाइस जो है तीन टाइप का फार्मेसी ओपन होता है हर जगह पे, एक नॉर्मल छोटा सा होता है, एक मीडियम, एक प्रीमियम, एक जो है क्लिनिक के साथ होता है गाइस। तो फिलहाल जो है काम वगैरह चल रहा है, फिलहाल यहाँ पर ऑलमोस्ट काम जो है डन हो गया, थोड़ा सा काम बाकी है। मैं आप लोग को थोड़ा सा नहादी फार्मेसी का टूर कराऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और गाइस चैनल में नया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आप लोग को जो है नहादी फार्मेसी का टूर कराता हूँ फिलहाल अभी। ये देखिए गाइस नहादी का जो नया फार्मेसी कुछ इस तरह का है, सारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा जो है इसका प्रीमियम गंदोला बोलते हैं इसको, तुलाब ये आने वाला है, ये बाकी है, इसके लिए हम लोग रुके हुए हैं, बाकी ऑलमोस्ट काम जो है पूरा डन हो चुका है। ये एरिया गाइस देखिए चिल्ड्रन का एरिया, बच्चों का एरिया, यहाँ से गाइस बेबी डाइपर चेंजिंग टाइम, यहाँ देखिए पूरा जो है बच्चों लोग का मिल्क वगैरह यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर सामने देखिए फीडिंग एक्सेसरीज जो है, मिल्क बोटल्स वगैरह आता है, देखिए इस तरह का सारा बच्चों लोग के लिए पूरा आइटम है ये, यानी ऑलमोस्ट ये सेक्शन जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बच्चों के लिए है रिजर्व। यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ ये पूरा जो है बच्चों के लिए एरिया है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए गाइस, इंटरटेनमेंट के लिए आइटम रखा हुआ है यहाँ पर। फार्मेसी कुछ तरह का है, सामने मेन गेट इधर है, एक ही गेट है, और यहाँ से आप सामने देखिए ये है मेन काउंटर, ये मेडिसिन का फार्मेसी, सईद अली अरबी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में फार्मेसी लिखा हुआ है ऑलरेडी। और ये सामने देखिए कुछ OTC का आइटम, और यहाँ पर गाइस जो हलावा वगैरह है इसको बच्चों के लिए ग्यूमिन्स, उसके अलावा मेंटल्स वगैरह यहाँ पर है। और बिल्कुल सामने देखिए यहाँ पर स्ट्रेप सील्स रखा हुआ है, पेनाडोल रखा हुआ है गाइस, फेवरडोल, सल्फाडाइन हेडेक के लिए, उसके अलावा पेन का क्रीम, और नीचे जो है कफ और पेन का मिक्स सिरप रखा हुआ है। और सामने यहाँ गाइस लिप केयर का देखिए सारा कुछ, लेविलो वगैरह यहाँ पर है। और ये सामने जो है मेडिसिन का काउंटर है, ये गाइस सामने जो है गाइस यहाँ पर फास्ट मूविंग का आइटम हम लोग रखते, एक इधर से देखिए यहाँ पर हिसासी एलर्जी का आइटम है, यहाँ पर पेन किलर का आइटम है, उसके नीचे पेन का क्रीम, उसके नीचे गाइस ऑइंटमेंट, और इधर देखिए जो हेयर के लिए लोशन सोल्यूशन वगैरह आता है वो है, उसके नीचे जो है गाइस ऑइंटमेंट है, पेन का क्रीम है, उसके नीचे साइड जो है कफ सिरप वगैरह रखा हुआ है गाइस। बाकी यहाँ पर नॉर्मल फार्मेसी में जो है इस तरह का 1, 2, 3, 4, 5 रफ आता है ऐसा, सारा इसके अंदर जो है मेडिसिन वगैरह हम लोग ग्रुप वाइज सेटिंग करके इसके अंदर रख देते, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, एंटीसाइकेटिक हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, एंटीहिस्टामाइन हो गया, सब अलग अलग आइटम अल्फाबेटिकल हम लोग को इसमें अरेंज करके रखते, ताकि जो भी पेशेंट होकर आए, प्रिस्क्रिप्शन होकर आए, डॉक्टर को इजी हो निकाल के देने के लिए प्रिस्क्रिप्शन देख के, लेटर वाइज कोई भी बंदा आराम से निकाल के दे सकता है मेडिसिन वगैरह गाइस यहाँ से। बाकी जो है बाहर का इस तरह का कुछ सिस्टम है, यहाँ पर गाइस देखिए मीज़ान वगैरह जो यहाँ पर इसको मीज़ान बोलते हैं, वेटिंग स्केल ये यहाँ रखा हुआ है पूरा, इधर जो है गाइस ब्लड प्रेशर और डिवाइसेस, ब्लड प्रेशर का और डायबिटिक का सारा डिवाइसेस रखा हुआ है इधर पूरा। बाकी राइट साइड में इधर सामने बॉडी केयर का आइटम, यानी आप लोग को मिल जाएगा बॉडी लोशन, शावर जेल, हैंड वॉश, ये सारा लीफा, ये सारा आपको बॉडी केयर का आइटम है यहाँ पर, लेडीज़ का आइटम गाइस, ये पूरा लेडीज़ का आइटम है यहाँ पर। ये बाकी गाइस देखिए ये भी डिवाइसेस है गाइस, जो है हेयर रिमूवर का डिवाइसेस आता है सारा लेडीज़ के लिए, ये सारा इधर रखा हुआ है, इधर बॉडी लोशन। इधर सामने आप थोड़ा आगे जाएंगे तो गाइस देखिए यहाँ पर इस साइड में जो है गाइस टूथब्रश वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है, इसके अलावा इसके बिल्कुल सामने टूथपेस्ट वगैरह गाइस, ये टूथपेस्ट और ये टूथब्रश सामने सामने रखा हुआ है गाइस। इसके बाद जो है यहाँ पर सारा कुछ शैम्पू कंडीशनर वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर साइज देखिए, और यहाँ पर भी गाइस जो है हेयर स्ट्रेटनिंग डिवाइसेस वगैरह यहाँ पर देखिए, अलग अलग कंपनी का ये सारा कुछ डिवाइसेस वगैरह यहाँ पर है। और इधर जो है ऑयल रिप्लेसमेंट है गाइस, बदल जेद बोलते हैं अरबी में, ऑयल रिप्लेसमेंट का आइटम है, हेयर जेल सारा कुछ इधर।
बाकी जो है इधर गाइस बाकी है, गंदोला अभी आना बाकी है, और ये साइड में हेयर केयर का गंदोला आना बाकी है, अभी ये काम बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। और प्राइसिंग स्टिकर वगैरह अभी लग चुका है, देखिए सब में, सब चीज़ में देखिए, ये सारा स्टिकर इस तरह का फाइनल जो है काम करने के बाद फाइनल इस तरह का हम लोग जो है प्राइसिंग लगाते हैं। स्टिकर बारकोड के साथ है गाइस, ये प्राइस ये सऊदी रियाल में है गाइस, मेंशन जो है सारा कुछ। ये सामने देखिए गाइस हेल्दी फूड का एरिया है पूरा, ये बिस्किट चॉकलेट्स वगैरह रखा हुआ इधर सारा कुछ देखिए। और सामने यहाँ पर गाइस डायबिटीज पेशेंट के लिए गाइस जो है स्वीटनर वगैरह रखा हुआ है इधर, ये छोटे छोटे टैबलेट्स वगैरह इसके अंदर। और इसके अलावा ये जो है गाइस यहाँ पर पूरा देखिए, ये ब्रेकफास्ट का आइटम है, यानी ये मानू का हनी है गाइस, ये सारा हनी रखा हुआ है, अलग अलग एमजी का, 300, 500, 1000 प्लस सर अलग अलग एमजी का मानू का हनी रखा हुआ है गाइस। ये हनी गाइस जो होता है बहुत ही कॉस्टली होता है, ये ओनली न्यूजीलैंड में प्रोडक्ट होता है, देखिए इधर प्रोडक्ट ऑफ न्यूजीलैंड लिखा हुआ है, बाकी दुनिया में कहीं जगह नहीं होता है ये मानू का हनी। आप लोग गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखिए इसका प्राइस जो है गाइस 516 रियल है, यानी इंडियन रुपीज में आप अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो करीब 11,000-12,000 रुपये होते हैं एक हनी, ये 250 ग्राम का ओनली है और 12,000 रुपये हनी का प्राइस है गाइस, देख रहे हो आप, इसी से समझ रहे होंगे गाइस कितना कॉस्टली हनी है और बहुत ही फ़ायदा है इसका गाइस। बाकी इधर अभी पूरा काम हुआ नहीं है, इसके अलावा इधर जो है पूरा फिनिशिंग होने के बाद इधर गाइस स्टिकरिंग वगैरह लगेगा, हर हर जिसके ऊपर जो सामान है उसका स्टिकरिंग अलग से लगता है, जैसे बेबी का प्रोडक्ट है ऊपर से लगेगा कौन सा चीज़ का क्या सामान है ऊपर, बाकी जो है वो फाइनल स्टिकर बाकी है अभी। तो भाई इस तरह का कुछ फार्मेसी हर जगह पे हम लोग रेडी करते बनते, अभी फ़िलहाल तो ये काम मतलब ऑलमोस्ट 50% ही कंप्लीट हुआ है समझ लीजिए, बाद में बाकी स्टिकरिंग सारा कुछ डिज़ाइनिंग और थोड़ा इसको लाइटिंग वगैरह लगाते, जितना शाइनिंग एक्चुअली लुक अच्छा आने के लिए सारा कुछ जो है अरेंजमेंट इसके ऊपर बोर्ड वगैरह लगेगा, जो आइटम है उसका नाम मेंशन वगैरह होगा। तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर जो है फिलहाल मैं जिद्दा में हूँ, जिद्दा में 4-5 फार्मेसी बन रहा है बैक टू बैक, और एक वीडियो आप लोग को बनाया था पिछले बार देखे होंगे आप लोग जो रेन का, उसमें गाइस एक प्रीमियम फार्मेसी दिखाया था, वो हॉस्पिटल भी जो है नहादी केयर क्लिनिक के साथ बन रहा है, वो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल प्रीमियम हॉस्पिटल, और उसके साथ में फार्मेसी भी बन रहा है गाइस, उसको भी आप लोग को कभी अभी उधर काम ही चल रहा है, काम ख़त्म नहीं हो, उसका भी एक ब्लॉग बनाऊंगा आप लोग के लिए। उसके अलावा जिद्दा में और भी 3-4 फार्मेसी अभी काम चल रहा है फिलहाल, तो फिलहाल बाहर का कहीं टूर नहीं है, उसके अलावा बाद में टूर होने वाला है खमीस मुर्शिद के लिए, जो जुनूब का साइट है, साउथ का साइट है सऊदी अरब का। उसके अलावा जो है भाई गाइस रियाद में भी फार्मेसी वगैरह अभी बन रहा है, रेडी हो रहा है, वहाँ भी टूर होने वाला है, सब तरफ दमम में भी होने वाला है। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ गाइस आज का जो वीडियो अच्छा लगा होगा, और नहादी के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग को, कुछ नहादी के बारे में कोई चीज़ पूछना हो, कोई भी मेडिसिन के बारे में गाइस आप लोग को पता करना हो, कोई भी मेडिसिन के बारे में आप लोग को कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरा इंस्टा में जाके आप लोग डायरेक्ट मैसेज वगैरह कर सकते हैं, मेरा इंस्टा का आईडी है samsher_sheikh32, और ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ मेरा इंस्टा आईडी, वहाँ जाके आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी नहादी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आंसर हो और कुछ भी हो मेरे को पूछ सकते हैं आप लोग, कोई भी मेडिसिन के बारे में आप लोग को पता करना हो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर एंड करता हूँ, छोटा सा एक वीडियो बनाया आप लोग को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और गाइस चैनल में अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, दुआ में याद रखना गाइस।